कौन लोग आए थे? आज संडे है और संडे नाइट का टाइम है और आज अहमदाबाद में पूरे दिन बहुत ज़्यादा बरसात रही थी। अभी थोड़ी सी रुक गई है तो हम ज़रा देख के आते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हाल है। तो मेरे लिए वीडियो पे ये तो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पानी का अच्छा सिस्टम है, मतलब पानी रुका नहीं है कहीं भी। अब देखते कहाँ कहाँ पानी का ब्लॉकेज हुआ है। वो ये तो टूट ही गया खंभा था, देखो खंभा था एक नीचे बैंड हो गया। ये नदी बनी है यहाँ, देखो बस अब रहने दो, ज्यादा पानी हो तो रुको 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 रुको। ये रोड तो दिखी नहीं थी, ये पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, तो देखो दूर दूर तक पूरी नदी बन गई है। वाह ये पूरा ग्राउंड जो था ना कल अपन ने देखा था, ये ग्राउंड है देखो, ग्राउंड और इसे यहाँ सोसाइटी है, पूरा यहाँ पूरा स्विमिंग पूल नदी जैसा बन गया है। वाओ पूरा इम्प्रेशन, बिल्डिंग का इम्प्रेशन दिख रहा है उसके अंदर, नदी के अंदर इतना पानी गिरा है। ये सिर्फ कल रात से आज तक का है ना ये। Thank you.
तो आज आपने अभी देखा कि किस तरह से अहमदाबाद में हमारे सोसाइटी के आसपास कई जगह पे पानी रुका हुआ है, कई जगह पूरी की रोड तो दिख ही नहीं रही है, पूरी नदियाँ बन गई हैं, लेकिन हमारे ही सोसाइटी में थोड़ा अच्छा पानी का सिस्टम किया हुआ है, ड्रेनेज वगैरह का जो भी है, तो वहाँ बिल्कुल पानी नहीं भरा है, हमारी सोसाइटी के बाहर भी नहीं है, मगर अहमदाबाद में मैक्सिमम जगह पर ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों से कंटिन्यूस बरसात हो रही थी, अभी थोड़ी देर ही के लिए ही बंद हुई है, और अब मैंने आपको दिखाया, मेरे रूम का भी ये हाल दिखाया कि मेरे कपड़े भी, मतलब हमारे हम गृहणियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि बरसात में कपड़े कैसे सूखेंगे, और कपड़े सुखाना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो बरसात जो है ना वो सच में कोई रोमांटिक नहीं लगती, मेरे को तो नहीं लगती एटलीस्ट, क्योंकि इतना सारा काम बढ़ जाता है बरसात के कारण, एक तो ये सोचना पड़ता है कि कपड़े जो हमने अभी सुखाए हैं वो बरसात के कारण हमको कब मिलेंगे, तो मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगती है, और बरसात में सबसे बड़ी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो लोग जो अगर सिस्टम सही तरह से नहीं रखें तो पानी का जो जमाव हो जाता है वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आज हमारे जो घर में मेड आती हैं, दीदी आती हैं, दोनों वो बेचारी बोल रही थी कि ना उनके घर के बाहर काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो वो लिटरली बिल्कुल पैदल चल चल के आई हैं, उनके पैरों से भी आगे तक पानी भरा हुआ था, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारे शासन को देखना चाहिए, तो लेकिन हम भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इनके सामने कि ऐसा जो भी हम, क्योंकि हम भी तो पे करते हैं उसके लिए, तो ये बरसात का हाल ये था, अहमदाबाद का बरसात का ये हाल था, मानसून का अभी ज़्यादा बरसात हुई नहीं है तभी भी ये हाल है, तो देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कल, आज संडे है और कल सावन का दूसरा सोमवार है, मतलब सावन को गए हुए ऑलमोस्ट 15 दिन भी नहीं हुए हैं और अभी ये हाल है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम फेस करते हो आप बरसात में, जो जो मैंने बताया आपकी वाटर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम और कपड़े नहीं सूखते हैं उसकी प्रॉब्लम और घर में ही बंद कर रहना पड़ता है उसकी प्रॉब्लम, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और ये मेरे डेली लुक है, नाइट लुक है, घर में ऐसे ही रहते हैं हम, चलो नमस्ते।